কাপড়ত হোক জীবাণুটো জীবাণুটো মানে বীজাণুটো কাগজত হোক পেপারত হোক কাপড়ত হোক দেই সবতে থাকে গতিকে আপনাদের অকমান নিজক সাবধান করে কিমান পারে সোনকালে সঘনে হাতখন সাবুন পানি সাবুনে ধুই যিকোনো বস্তু লড়ার পিছত যাতে আকৌ সাবুনে ধুয়ে জন্ম জনসমাগমৰ পৰা যাতে আঁতৰত থাকে হাত ছিকা মাৰোতে হয় তেনেকৈ থাকি গ'ল নহয় সাধাৰণতে ওচৰৰ কাপোৰটো নাথাকিলে এনেকৈ ঢাকি পেলাই কাপোৰ নাথাকিলে এনেকৈ ঢাকি পেলাই ল'ব আৰু মুখত চকু মুখ নাকত কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰিব হাতেদি আমি বিভিন্ন বস্তু লাৰি থাকোঁতে ইয়াতে থাকি যাব পাৰে ইয়াতো জীয়াই আছে मेरा नाम पूजा वाल्मीकि है। मैं दक्षिण कामरूप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं दक्षिण कामरूप गर्ल्स कॉलेज के NSS की एक वॉलेंटियर हूँ। तो आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली वो टॉपिक बहुत ही सीरियस है और आज की डेट पे ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप सब जानते हो क्या, कोरोना वायरस COVID-19।
चीन के वुहान शहर के मीट बाज़ार से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी और आज की डेट पे इसने पूरे विश्व में अपना आतंक फैला दिया है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। अगर आप लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, आप उससे अपने आप को बचा पाओगे, अपनी फैमिली को बचा पाओगे, अपनी सोसाइटी को बचा पाओगे। तो आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि एवरी वन आवर प्रत्येक एक घंटा बाद में आप लोग को अपने हाथों को हैंड वॉश करना है, ठीक है। एवरी वन आवर के बाद में अपने हाथों को हैंड वॉश करना है, ठीक। और जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन होकर रखा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आप कभी कहीं बाहर जाते हो तो आप लोग को क्या करना है, ये मास्क आपको अपने मुंह में लगा के निकलना है और अपने साथ में आपको कैरी करना है ये हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है। और आपको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, पब्लिक गैदरिंग वाले प्रोग्राम वगैरह में नहीं जाना है और किसी भी बाहर वाले इंसान से आपको कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस करके आपको उससे बात करना है और बात करते वक्त मास्क जरूर पहने। और हो सके तो घर से जब आप लोग बाहर निकलते हो तो हाथों में ग्लव्स पहन के भी निकलिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ना ये किसी भी चीज़ के ऊपर 12 आवर्स तक ये रहता है, ये 12 आवर्स तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो आप अगर बाहर निकलते हो कुछ भी सामान के लिए, कुछ भी काम जाने के लिए, तो अगर आप किसी चीज़ को छूते हो, अगर उसमें अगर बाई चांस अगर उस चीज़ में अगर कोरोना वायरस है तो आपको उस चीज़ से भी कोरोना वायरस लग जाएगा। ये 12 आवर्स तक की जो वायरस है ना ये जिंदा रहता है। तो आप लोग को बस क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग घर पे रहिए, जहाँ तक हो सके आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको पब्लिक गैदरिंग नहीं करना है, बाहर सोशल थोड़ा डिस्टेंस करना है, फ्रेंड्स से कुछ दिन के लिए ना मिलिए, मास्क लगा के रखिए, हैंड सैनिटाइजर से एवरी वन आवर अपना हाथ वॉश कीजिए। और जब भी आप कहीं पर बाहर से आते हो तो बाहर से आते आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप ड्रेस अपनी चेंज करोगे ना वो कपड़े जो आप बाहर पहन के गए थे उसको आपको डायरेक्ट वॉश करने के लिए रख देना, उसको बाकी दूसरे कपड़ों के साथ में नहीं मिलाना है। और आते ही आप अपने हाथों को, हाथ पैर मुंह अच्छा से आप वॉश कीजिए। आप लॉकडाउन, क्या आप सभी को पता है कि एक्चुअल मीनिंग में लॉकडाउन है क्या, मैं बताती हूँ। मेरा नाम है पूजा बाल्मीकि, मैं दक्षिण कामरू गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं साथ ही साथ दक्षिण कामरू गर्ल्स कॉलेज की NSS की वॉलंटियर हूँ। तो लॉकडाउन का मतलब बहुत जन को नहीं पता कि ये लॉकडाउन है क्या, इसे कैसे क्या करना है, इस लॉकडाउन में क्या नहीं करना है इस लॉकडाउन में। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लॉकडाउन की कुछ सिंपल सी गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है। तो उसमें क्या है, बस आपको घर के अंदर रहना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको घर में रहना है। अभी क्या है कि लोग एक मास्क पहन रहे, बस मास्क पहन के वो लोग बाहर निकल जाते हैं और उनको लग रहा है कि ये एक मास्क पहन कर एक सैनिटाइज़र हाथों में यूज़ कर वो लोग इस कोरोना वायरस से वो लोग बच सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऊपर से नीचे तक खुद को पैक कर लेते डॉक्टर लोग, ठीक है, उसके बाद में कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे, फिर भी उनको इस वायरस से खतरा है। तो जबकि वो डॉक्टर्स जो हैं वो ऊपर से लेके नीचे से खुद को पैक करने के बावजूद भी उनको इस कोरोना वायरस से खतरा है, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि जो बस एक मास्क पहनकर सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके कि आपको वो कोरोना वायरस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। भारत सरकार ने ये जो लॉकडाउन जारी किया है ये लॉकडाउन ये हमारे लिए है, बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये लाना है वो लाना है, बस हम लोगों ने अपना माइंडसेट करके यही रख लिया कि हम लोग घर के अंदर नहीं रह सकते और हम लोग बाहर निकल गए। ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, इससे जो खतरा होगा ये हमें होगा। अगर आप लोग सोचते हो ना, अगर आप बाहर निकल रहे हो और अगर आपको कहीं से भी भगवान ना करे ककर कोरोना वायरस अगर आपको लग जाता है, तो आप अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो, अगर आपको होगा तो उनको भी होगा। सोशल डिस्टेंस भारत सरकार बार बार कह रही है, हमसे मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि कुछ दिन तक सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। बस क्या करना है, कुछ दिन तक अपने फ्रेंड से नहीं मिलना है, कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलना है, कुछ दिन तक घूमने नहीं जाना है, बस कुछ दिन तक। मेरे हिसाब से ये जो लॉकडाउन है ना 21 दिनों का,
ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये चीज़ हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा मौका भी हमें दोबारा मिलेगा, हमें दोबारा अपनी फैमिली के साथ में ऐसा इतने दिनों के लिए टाइम स्पेंड करना मिलेगा? बस एक संडे ही मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पर 21 दिन है। ये 21 दिन अपने अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, बस घर पे ही रहिए। अगर आप सेफ़ रहोगे, आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी, सोसाइटी सेफ़ रहेगी, देश सेफ़ रहेगा। बस घर पे रहिए। घर पे रह के भी टाइम स्पेंड हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको जो पसंद है वो करिए, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, बहुत चीज़ें करने के लिए अगर हम चाहें तो। बस एक छोटी सी पहल कि बाहर नहीं जाना है, ये चीज़ हमें खुद हमने अपने आप को ये समझा लेना है कि नहीं, हम 21 दिनों तक बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी फैमिली को, अपने देश को बचा सकेंगे। बस घर पे रहिए। मेरा नाम पूजा वाल्मीकि है, मैं दक्षिण कामरूप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं NSS की वॉलंटियर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमें सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे विश्व में चल रही है। कोरोना वायरस अपने साथ एक और विपत्त साथ लेके आया है, और वो क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें एवरी 1 आवर के बाद अपने हाथों को धोना है। तो हम क्या करें, जब भी हाथ धो रहे हैं तो वो जो टैप है हम उसको खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद में अपने हाथों को अच्छे से रगड़ते रहते हैं। तो क्या हो रहा है ना, ये जो उस टाइम जिस टाइम हम लोग अपने हाथ को रगड़ते रहते हैं, वो 10 से 20 सेकेंड जो वो टैप खुला रहता है ना, तब क्या हो रहा है कि 2 से 3 लीटर पानी की वेस्टेज हो रही है। तो अगर हम दिन में 5-6 बार अगर हाथ धो रहे तो आराम से एक इंसान 10 से 12 लीटर पानी की वेस्टेज कर रहा है। और अगर आपकी फैमिली में 5-6 मेंबर है तो हम लोग कम से कम 100 लीटर से भी ज़्यादा पानी की वेस्टेज कर रहे हैं एक दिन के अंदर। एक दिन में अगर एक फैमिली 100 लीटर पानी वेस्ट करती है तो सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में पूरे हम लोग कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है इससे बचने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, बस क्या करना है, जब हम लोग अपने हाथ धोते रहते हैं उस समय हम लोग को टैप को बंद कर देना है। नीति आयोग के मुताबिक 2020 में पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं ना तो हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। तो वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, तो हमें सबको मिलकर इसका सामना करना है। तो अभी हमें बस ये करना है कि जब हम अपने हाथ धोते रहें लगने टाइम हम टैप को बंद कर दें, जब हाथ जब साफ़ हो जाए उसके बाद में हम लोग अपने हाथों को पानी से वॉश कर लें। तो जितना हो सके इस मैसेज को दूसरों के साथ में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए, ताकि सबके पास में ये मैसेज जाए। और प्लीज़ आप लोग पानी को बचाइए। थैंक यू। मैं पूजा वाल्मीकि है और मैं NSS की वॉलंटियर हूँ। आज मैं आप सबसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत सरकार द्वारा एक ऐप का निर्माण हुआ है, जिस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। और इस ऐप के जरिए आप लोगों को यह पता चलेगा कि आपके आसपास कोई COVID-19 कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई पेशेंट है कि नहीं। ये ऐप एक ट्रैकर है, और ये ट्रैकर से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको ला के देता है कि आप सेफ जोन में हो कि नहीं। ये ऐप आपको आसानी से प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोई 1-2 टर्म्स एंड पॉलिसीज है जिसको कंटिन्यू करने के बाद में इस ऐप को आप यूज़ कर पाओगे। और आप इस ऐप के थ्रू आप जान पाओगे कि आपके आसपास में कोई COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट है कि नहीं। अब तक 30 मिलियन लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल करें। थैंक यू।